अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। मेरे पीछे जो आप बहुत बड़ा सा गेट देख रहे हैं, ये गेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि गया ज़िले में स्थित है, लोकेटेड है। ये गया पंचानपुर एक रोड है जो कि अब हाईवे में कन्वर्ट हो चुका है। गया शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा हुआ है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का कैंपस छोड़कर फैला हुआ है। आज मैं इस लोकेशन से ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कुछ खास बातें आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एक यूनिवर्सिटी होती है, इसके आयाम के लिए, इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए स्थापना के लिए किन किन चीज़ों को ख्याल में रखना चाहिए, फिर क्या क्या बातें होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार सीयूबी कहते थे, इसका प्रोफेसर जो हुआ था ऑफिशियली इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई 2 मार्च 2009 में। उसका फाउंडर वाइस चांसलर जो संस्थापक कुलपति नियुक्त हुए थे, अपॉइंट हुए थे, उनका नाम था प्रोफेसर जनक पांडे। प्रोफेसर जनक पांडे को सबसे पहले पटना में बिहार सरकार ने हिंदी भवन में कमरा दिया। इस कमरे से यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई और यह यूनिवर्सिटी फंक्शनल हुई सितंबर 2009 में ही। एक कोर्स यहाँ पर हमने डेवलपमेंट के साथ शुरुआत की। जो इस पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी की ज़मीन के पीछे कहाँ पर है, जो एरिया है इस यूनिवर्सिटी का 300 एकड़ जो ज़मीन है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ज़मीन दे रही थी पटना के आस पास और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ थी यूनिवर्सिटी को गया में या पटना के आसपास ज़मीन दी जाए। तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी को मोतिहारी में बनाया गया, वो लीक कर रहे थे मोतिहारी को फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी बापू जी से कनेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप पटना में ज़मीन नहीं लेंगे, आप पटना के बाहर कहीं भी ले लीजिए। लेकिन हकीकत यह थी कि यूनिवर्सिटी इंतज़ार करते रही, यूनिवर्सिटी को 2-3 साल में कभी भी ज़मीन के लिए कहीं पर भी एक पर्टिकुलर जगह ऑफर नहीं किया गया। जो 300 एकड़ की डिमांड थी इसके अकॉर्डिंग ज़मीन नहीं दी गई। ऐसा बताया गया है कि 100 एकड़ ज़मीन तो दी गई थी पटना के आसपास, लेकिन वो उस वक्त जो वाइस चांसलर प्रोफेसर जनक पांडे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें थी कि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी होगी, काफ़ी कोर्सेज होंगे, 14 स्कूल्स प्रपोज थे जिसमें थे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी, ये सारे कोर्सेज भी इसमें शामिल थे। इसलिए उन्होंने 100 एकड़ ज़मीन एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो काफ़ी प्रॉफिट थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि गया में ज़मीन ली जाए। गया में भी ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ऑफर नहीं किया। फिर उस वक्त के वाइस चांसलर, उन्होंने फिर अपना कुछ होमवर्क किया, कुछ होमवर्क के बाद उन्होंने जो डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी को जो है फ़िलहाल यूनिवर्सिटी को गया के आसपास ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी। और कुछ उस वक्त की जो टीम थी OSD थी और जो लोग थे, उन लोगों ने एक ज़मीन ढूंढ निकाली जो गया से करीब 15 किलोमीटर दूर थी। ये ज़मीन काफ़ी बड़ी है, जिसका एरिया करीब करीब 1100 एकड़ ज़मीन ऐसी थी जो कि भारत सरकार की थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात की गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से काफ़ी बातचीत के दौर के बाद तैयार हुई, और तैयार हुई कि हम ज़मीन देंगे आपको, फिर से कर देंगे, लेकिन हम उसके लिए आपको चार्ज करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और यूनिवर्सिटी ने फाइनली 22 करोड़ में ये ज़मीन खरीदा। ये बात मैं कह रहा हूँ इसमें फरवरी 2014 की। उसके कुछ दिन बाद ही यूनिवर्सिटी का 27 फरवरी 2014 को फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी होता है और ऑफिशियली ये ज़मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये इशू, और ये 2009 से 2014 का सफ़र है। कल बिल्कुल ये 2009-2008 भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस का भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हिस्ट्री उसी वक्त की है। तो फ़र्क आप देख सकते हैं दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कि एक वाइस चांसलर के प्रोएक्टिव यूँ कहें कि विज़न की वजह से यूनिवर्सिटी ने अपने फंड से ही वो ज़मीन खरीदी 22 करोड़ रुपए देकर 300 एकड़, और ज़मीन इतनी अच्छी है, अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा आसपास के एरिया को, तो आप समझ सकते हैं फ़ायदा क्या हुआ है। ज़मीन हो गई यूनिवर्सिटी को, आपको ये भी जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा, सरप्राइज होंगे कि वो 22 करोड़ रुपए बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी के खजाने में आ गया, वापस मिल गए दूसरी तरफ से, जो भी कागज़ी प्रक्रिया होती है। देखिए यूनिवर्सिटी यहाँ इस्टेब्लिश जगह पे हुई है, ये यूनिवर्सिटी इलाका कहा जाता है कि गया था वन ऑफ द मोस्ट रिकवर्ड एरिया था। यहाँ पे लोग दिन में भी जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया था यहाँ पे जंगल वगैरह थे और लोग इधर से जाते नहीं थे, ये रोड भी इतना ज़्यादा चहल पहल नहीं थी सड़क में, तो लोग दिन में भी इधर आने से घबराते थे। लेकिन आज ये हाल है कि 24 घंटों आप इस रास्ते से जा सकते हैं। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होता है, जो यहाँ पे आसपास का इलाका है, जो पंचानपुर कहलाता है या टिकारी कहलाता है, या धर्मशाला की बात करें, जब उन्हें करें गया था,
काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी हॉस्टल्स आ गए हैं, काफ़ी ढाबे आ चुके हैं, दुकान जो यहाँ तक ये मॉल बन चुका है। छोटा सा पंचानपुर इलाका है, ब्लॉक का तो ठेकारी है पंचानपुर, छोटा सा इलाका है, वहाँ पे मॉल तक बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या असर पड़ता है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, किशनगंज कैंपस के बारे में अगर इस एंगल से सोचा जाता है कि थोड़ा बहुत ज़मीन के बारे में कुछ फंड्स वगैरह रेस करके ज़मीन खरीद ली जाती या कहीं और से कुछ सुटेबल ज़मीन ले लिया जाता, खरीद ली जाती, या फिर बिहार सरकार से भी ले ली जाती, तो कैंपस बनने का सपना पूरा हो सकता था टाइम पर। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुका है। मैंने एक रोल मॉडल के तरफ तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को प्रेजेंट किया है। ये यूनिवर्सिटी 2017 से अपने कैंपस में फंक्शनल है। आज यहाँ पे 25 कोर्सेज की पढ़ाई होती है, डिग्री लेवल की पीएचडी होते हैं 25 सब्जेक्ट में, अंडर ग्रेजुएट 3 कोर्सेज होते हैं, 300 टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, करीब करीब 2000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हॉस्टल भी हैं यहाँ पे, बॉयज़ का हॉस्टल है, 7 बिल्डिंग हैं। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, इस तरह की यूनिवर्सिटी इतिहास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेम है। 2009 से ही शुरुआत हुई है ये यूनिवर्सिटी, 11-12 साल में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज कैंपस अभी तक कैंपस में अपना कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करवा पाई है, अभी कोर्स के नाम पे सिर्फ वहाँ MBA चल रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह से सोचा जाए, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ सोचा जाए। आखिरी में वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे गया बिहार का बॉर्डर एरिया है, वैसे किशनगंज भी बिहार का बॉर्डर एरिया है, वो नॉर्थ में है तो गया साउथ में है। साउथ में जब इतना डेवलपमेंट है तो किशनगंज भी डिज़र्व करता है, सीमांचल भी डिज़र्व करता है। अगर वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस यकीनी तौर पर आ जाता है तो काफ़ी वहाँ भी डेवलपमेंट होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया पंचानपुर ठेकारी अम्बाला जमुने या कुजाब, ये सारे इलाके हैं गया की इस रोड पर पड़ते हैं, करीब ये 15-20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। आगे वीडियो में आपके साथ छोड़ ही जा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, इस वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।